तुम्हारे पैर की मोच इतनी शदीद थी कि तुमने आज ऑफिस की छुट्टी कर ली और मुझे फोन तक नहीं किया। अरे बाबा कहाँ ना, अब बिल्कुल ठीक हूँ। यार ये क्या बात हुई, दोस्त भी मानती हो मुझे और दोस्ती का हक भी अदा नहीं करने देती। अब तुम्हारा पहला वाला शौहर तो बड़ा ही खबीस था ना, काम भी करवाता था मारता भी था, और तुम भी तो बहुत ढीठ थी, काम ही नहीं करके देती थी। मुझे दानिया पसंद आई है, वो एक बहुत ही सुलझी हुई और प्यारी लड़की है। अम्मी प्लीज अपनी पसंद का लेवल इतना हाई भी ना करें कि वहां तक पहुंचे मुश्किल हो जाए। मेरे होते हुए कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। ये तो वो ड्राइवर था मेरे साथ, अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ जिंदा नहीं खड़ी भी होती। कभी सोचा भी ना था कि इस तरह मैं भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाऊंगा। कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? कल इतने बड़े हादसे से अल्लाह मियां ने बचाया और आज फिर तुम ऑफिस जाने की बात कर रही हो। तो क्या मतलब है आपका, क्या मैं घर में बैठी रहूंगी? दानिया तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? आप क्यों नहीं समझती मम्मी? आपको क्या लगता है किस तरह से मौत टाली जा सकती है? जहाँ खुदा ताला ने मौत लिखी होती है ना, वहीं आती है। और इन लोगों के खौफ से मैं घर में बैठ जाऊं, ये कहाँ की अकलमंदी है? बस तानिया, मैंने तुमसे कह दिया ना, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। मम्मी मम्मी आप समझती क्यों नहीं है? मैं सब कुछ समझती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, लेकिन ये बात मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। मम्मी मम्मी प्लीज, ड्राइवर रास्ते में होगा, मुझे जाने दे, प्लीज समझिए। मैं उसे खुद ही मना कर देती हूँ, ठीक है? मम्मी चुप करो, अब बात नहीं समझती। करें जो करना है। हेलो, हाँ राहिल, आज दानिया ऑफिस नहीं जाएगी, नहीं तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम आज रेस्ट करो। ओ शीला की जब इधर आओ। आवारा गर्द आदमी, किधर थे रात भर? वो मेला लगा है ना, वहीं पर ही गया था। भाई तुम पूरी रात घर से बाहर रहे हो तो फोन तो किया होगा ना तुमने? आपा नाराज हो जाती ना, इसलिए फोन नहीं किया। इसका मतलब है कि ना तुमने उसको फोन किया ना तुम्हारी आपा ने तुम्हें। जी मैं अब जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, रात भर के थके आ रहे आप आए होंगे, उसके लिए आराम भी जरूरी है, आराम के लिए घर भी चाहिए। जाइए, बिल्कुल जाइए। आ आ चिड़िया, आ आ आ आ चिड़िया, आ प्यारी चिड़िया, आ आ चिड़िया, आ आ आ। यहाँ कौन सी चिड़िया के दाना खाएंगी तेरा? देखना आपा, अभी ढेर लग जाएगा। अभी तो तू बड़ा नन्ना बन के चिड़ियों को दाना डाल रहा है ना, रात भर से तो था कहाँ बता मुझे। क्या कह रही हो आपा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आ अब अगर तूने एक भी चिड़िया का नाम लिया ना तो इतना मारूंगी कि सबको सीधा सीधा बोलना शुरू हो जाएगा। बता मुझे पैसे कहाँ गए? क्या आपा यार, तुम हर बार पैसों की एक नई कहानी लेकर आ जाती हो। खुदा की पनाह है गुड्डू, एक हफ्ते में तू पूरे 2500 रुपए पानी कर चुका है। बता इतने पैसे तू कहाँ खर्च करता है? सुबह दूल्हा भाई भी मुझसे पुलिस वालों की तरह पूछताछ कर रहे थे और अभी तुम, आखिर मसला क्या है तुम दोनों का? बताओ तुझे मैं अभी मसला, ये बता तू इतने पैसों का करता क्या है? और वो राहिल क्या पूछ रहा था तुझसे? यही कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ थे रात भर? फिर तूने क्या बोला? भाई मैंने तो झूठ बोल दिया कि सर्कस देख कर आ रहा हूँ। हाय तूने मुझे झूठा करवा दिया। अब मुझे क्या पता कि तुमने क्या झूठ बोला था।
अरे पागल, मैंने उसे ये कहा था कि तू दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया है और वहीं रुक गया। अच्छा, तभी मुझसे पूछ रहे थे कि अकेले थे या किसी के साथ। बड़े उस्ताद हैं आप और तुम्हारे शौहर, कसम से। अरे सब कुछ बक दिया तूने, एक झूठ तक ना निभा सका तू। अरे तो मुझे क्या पता मैंने कौन से कैमरे लगा के रखे हुए यहाँ पे। अभी बताती हूँ तुझे, ना मुराद कहीं के, तू नहीं जानता इतना बकबक करके गया मुझसे वो। अरे तो मैं क्या करूँ भाई। अरे तू कर भी क्या सकता है सवाई चोरी के। आप अपने घर में से पैसे लेना चोरी थोड़ी कहलाती है। अच्छा ये किस हकीम ने बताया तुझे? सच कह रहा हूँ आपा। हाय हाय, शाम होने को आ गई है, राहिल अभी तक घर नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ होंगे। अच्छा है ना आपा, अमन है घर में। अमन है घर में, बताऊँ तुझे मैं अभी है। आपा ये चप्पलों की गिल्ली क्यों खेल रही हो तुम? चुप कर यहाँ से। एक तो मुझे इतनी परेशानी लगी हुई है, पता नहीं राहिल कहाँ होंगे, पहली बार घर से लड़के गए हैं, ना जाने किधर होगा। उनकी बड़ी फिक्र है। आ आ चिड़िया आ। एक्सक्यूज मी आंटी, C23 कहाँ पड़ेगा? C23 तो हमारा ही है, तुम्हें किससे मिलना है बेटा? मुझे अली से मिलना था। अली से? लेकिन अली तो घर पे नहीं है, तुम कौन हो? मैं उम्मीद हूँ, और आप गालिबन अली की अम्मी है ना? हाँ बेटा, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। अली ने बताया था आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। अली भी कितना पागल है, बता देता कि तुम आ रही हो तो मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ही नहीं लेती। खैर चलो अंदर तो चलो। नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, आप जाइए, आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मैं फिर आ जाऊँगी। अरे नहीं, अली सुनेगा तो बहुत नाराज़ होगा। अरे कुछ नहीं कहेगा, मैं उसे समझा दूँगी। एक्चुअली मेरे भी पैर में मोच आ गई थी, इसलिए पहले नहीं आ सकी आपसे मिलने। अब कैसी हो? अब काफ़ी बेहतर हो, आइए ना नीचे तक साथ ही चलते हैं। बेटा इस तरह अच्छा नहीं लगता है। अरे कोई बात नहीं आंटी। आ गए आप, कहाँ थे आप सुबह से? क्यों क्या हुआ? क्यों क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरा सुबह से दिल हौल रहा था और आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? बढ़ तो नहीं गया था ना? खुदा ना करे, किस किस्म की फजूल बात कर रहे हैं आप? बताएं मुझे कहाँ थे आप? अरे क्या हो गया आपको, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप सुबह से कहाँ थे? तुमने कभी गुड्डू से पूछा कि वो कहाँ था? क्या पूछती मैं उससे? कि वो सारी रात कहाँ था? पूछा तो था मैंने। सर्कस देखने गया था ना, वो बच्चा है, उससे तुमने कुछ नहीं पूछना, मैं क्यों जवाब दूं? अच्छा तो आप उससे बदला ले रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ बतला रहा हूं। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ कर दें। किस किस बात की माफी मांगोगी? क्या क्या मतलब आपका इस बात से, क्या किया है मैंने? तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम कर भी क्या सकती हो, सारा कसूर ही मेरा है। कह क्यों नहीं देते साहब कि आप शादी करके पछता रहे हैं? नैला ये एहसास भी तुम मुझे दिला रही हो। नहीं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, असल में बात यह है कि आपको मेरे भाई का यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उसी की वजह से टेंशन में रहते हैं। नैला मैंने शादी तुमसे की है, गुड्डू से नहीं की, और मैंने कभी इतराज नहीं किया उसको यहाँ पे रहने से। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं रवायती किस्म का जालिम शौहर नहीं हूँ। तो आपका यह रवैया क्या जाहिर करता है? Come on, नैला। तुम बात को घुमाने की कोशिश कर रही हो, हालांकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मसला क्या है। आपको तो सिर्फ ना बात का बतंगड़ बनाना आता है और कुछ भी नहीं। मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रहा, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने तो वादा किया था कि इस घर को जन्नत बनाओगी, तो फिर इस जन्नत में चिंगारियां कैसे आ गई? क्या मतलब आपका, मैं इस घर में चिंगारियां सुलगा रही हूँ? उफ नैला नैला, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ, मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है, असल में मैं और मेरा भाई जाहिल अनपढ़ हैं। आप हमारी जहालत का फायदा उठाते हैं और अपने पढ़े लिखे होने का रोब जमाते हैं हम पे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, नफरत करते हैं आप हमसे। बात दरअसल ये है कि महल में बड़े चर्चे हो रहे हैं भाई, ना कि चर्चे हो रहे हैं। किसके चर्चे हो रहे हैं? तुम्हारे और किसके? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? देखो भाई, जब बात निकलती है ना तो
घुटनों पर चढ़ते देर नहीं लगती। देखिए मुझे घुमा फिरा के बातें करना समझ में नहीं आता, साफ साफ बोलें बात क्या है। देखो तुम अकेली हो, चढ़ी छाट। नहीं अकेला तो मैं भी हूं, लेकिन ये सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि मरुमा बया के इसी घर में आई थी और इसी घर से उसका जनाजा उठा था ना कि। सब बात खुली भी है, साफ साफ है, कोई ढकी छुपी नहीं है। आगे बोलिए। आगे ये कि मैं जानता हूँ कि तुम कहती हो कि तुम ऑफिस में काम करती हो, लेकिन लोग बड़े बेतबारे होते हैं भाई, वो तो इतनी आसानी से किसी बात पे यकीन करते ही नहीं है। देखिए मुझे किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ काम करती हूँ। हाँ, लोग मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, बड़े ख़राब होते हैं भाई, नज़र रखते हैं ये कि कौन आया, कब आया, क्यों आया, बातें बनाते हैं ना। मुझे किसी की बात की परवाह नहीं है। नहीं परवाह तो होनी चाहिए भाई, समाना ही ऐसा है। आप बताइए क्या चाहते हैं आप। भाई देखिए मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छी लड़की हो। शुक्रिया। तो खैर खैर इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बाबू है अभी। और वैसे भी तुम मेरी किराएदार हो, मैं तुम्हारा मकानदार हूँ, मेरा कुछ फर्ज बनता है ना के। आई एम सॉरी बाबू भाई, मैं आपको गलत समझी थी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ना के शुक्रिया की क्या बात है, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो खुदा हाफिज़। कहो। गुड, वेरी गुड, बस इसी तरह काम करते रहो। और हाँ कोशिश करो कि मुझे ऑफिस में कॉन्टैक्ट मत किया करो। बहरहाल तुम्हारे काम से खुशी हुई। ओके सर, ये फाइल। इस दानिया को बुलाइए जरा। सर वो आज ऑफिस नहीं आई। ऑफिस नहीं आई? वो तो दो दिनों से ऑफिस नहीं आ रही। क्या मतलब है दो दिन से नहीं आ रही? आपने मालूम किया, कांटेक्ट किया, सब खैरियत तो है? जी सर फोन किया था लेकिन उनका मोबाइल ऑफ आ रहा था। वेरी स्ट्रेंज, व्हाई शी इज नॉट कमिंग, क्या वजह हो सकती है? सर वो सारी कंपनी की फाइल्स उनके लॉकर में लॉक्ड हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सोचने वाली बात यह है कि व्हाई शी इज एब्सेंट। सर आप कहें तो मैं किसी को उनके पास भिजवा दूं। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं देख लेता हूँ, आप जाएं। ओके सर। हेलो हेलो जी, मैं सरवन बात कर रहा हूँ।
जी सरवा साहब, कैसे हैं आप? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो मालूम करना था कि दानिया दो तीन दिन से ऑफिस नहीं आ रही हैं, खैरियत तो है? हाँ वो एक्चुअली उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओ अच्छा। बस उसके सर में कुछ दर्द था, वो मैंने जिद करके उसे रोक लिया घर पर। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो सिर्फ मालूम करने के लिए पूछ रहा था। उनसे कहें कि रेस्ट करें और जब वो फील बेटर करें तो उस वक्त आ जाएं। ठीक है, बस वो एक दो दिन में ऑफिस आ जाएगी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टेक केयर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये देखो नहीं, यहाँ पे इस तरफ। हाँ देख लीजिए। हेलो जी। हाँ जी मैंने ही बोला था। नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुने ना, आप जब तक माल हमें डिलीवर नहीं करेंगे हम आगे कैसे डिलीवरी दे सकते हैं? नहीं नहीं शिपमेंट बिल्कुल तैयार है। चलें ठीक है, मैं करवा देता हूँ। नहीं मैं गोइट दे देता हूँ। ठीक है ओके खुदा हाफिज़। नहीं नहीं यार देखो ना, हेलो कैसी हैं आप मोहतरमा दानिया? कैसे हैं अली आप? I'm good. आप बताइए। नसीब दुश्मना, कहीं तबीयत तो नासाज नहीं है? जी नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप ये बताइए कि आज आपका अंदाज गुफ्तगू इतना अलग अलग क्यों है? लखनवी अंदाज, उर्दू की शाइस्तगी, खैरियत तो है? तो गोया बच्ची अब अदब से इतनी भी नाबल नहीं है। साहिर है, आपको क्या लगता है उर्दू अदब से सिर्फ आप ही वाकिफ हैं? अरे जनाब हम कहाँ के दावेदार ठहरे। वैसे मैं ऑफिस नहीं आ रही, आपने तो सोचा भी नहीं होगा ना कि मैं कहाँ हूँ, क्यों नहीं आ रही। देखिए मोहतरमा, अगर आप फ्रॉड करके भागी होती तो चले इस बात पर गौर किया जा सकता, क्योंकि फ्रॉड करने के बाद ही बंदा स्क्रीन से गायब हो जाता। आपसे तो बहस में जीतना नामुमकिन है। ये बात तो कंफर्म है। वैसे ऑनेस्टली सब आपकी गैर हाजिरी पर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि आप इतनी पंक्चुअल रहती हैं, इतनी रेगुलर रहती हैं, तो हैरान तो होना था ना। सब हैरान थे। और आप? वो मैं नहीं हुए ना परेशान? नहीं नहीं मैं भी परेशान तो था लेकिन चले कुछ तो परेशान हुए ही होंगे आप। ओके मिस दानिया, मैं खुद थोड़ी देर में आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके। तो मिस दानिया से बातें हो रही थी? हाँ मैंने भी कॉल किया था उन्हें, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। अच्छा हो सकता है, लगता है कि आपको कोई दूसरा नंबर दिया है उन्होंने। मैंने नोट नहीं किया। हैरत है, आप तो छोटी से छोटी गलती नोट कर लेते हैं। सैफ साहब ये गलती नहीं है। हाँ मुझे पता है, आप जानबूझकर गलती तो करते ही नहीं। सैफ साहब आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है या फिर मिस दानिया से? किसी से नहीं। ओके अली बॉस एंटरप्राइज कंपनी की फाइल मांग रहे थे। दे दूंगा। खुशगवार एहसास। हाँ यही एहसास कि आप लड़कियां इतनी भी कमजोर नहीं होती हैं जितना कि हम मर्द समझते होते हैं। यू टू बोल्ड। थैंक यू। कीप इट अप। मिस दानिया मैं नहीं चाहता कि आपका मजीद दिल दुखे। अगर आप ये फूल मुझे दे दें तो मैं इसे जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा।
नसीबे दुश्मना कहीं तबीयत तो नासाज नहीं है? जी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप ये बताइए कि आज आपका अंदाज गुफ्तगु इतना अलग अलग क्यों है? लखनवी अंदाज, उर्दू की शाइस्तगी, खैरियत तो है? दानिया। जी मम्मी। क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। कुछ तो है, मेरी बेटी के चेहरे का रंग बता रहा है। आप डॉक्टर हैं या हकीम? दोनों। अब बताओ क्या बात है? मदहोश।